धर्मराज का पाठ शुरू होगा तो पान खड़े हो जाएंगे, खुद ही नहीं खड़े हो जाएंगे। धर्मराज के दूत भूल गए हैं? और महाकाली का महाकाली की बजाय महाकाली जो काम करेगी वो महाकाली की बजाय भी काम करेंगी। नहीं, महाकाल तो लास्ट का पार्ट है, पहले देवियों की पूजा होती है। यह धर्मराज का दीपक जलाया जाता है। हाँ जी, देवियों में लास्ट पार्ट है तमो प्रधान महाकाली का। भाई आजकल बहुत याद आ रहा है धर्मराज और महाकाली, हम तो समझ गए। लव माने लव, प्यार करने वाला, और कुछ माने कांटा लगाने वाला। वही तो मुख्य है। राम तो है रामराज्य का, रामराज्य के बाद फिर किसका राज्य आता है? रावण राज्य का। तो रावण राज्य में ये दो मुख्य धर्म है, इस्लाम और क्रिश्चियन। ये लेफ्ट साइड के दो हैं। गर्भ, गर्भ सत्व प्रधान चीज है, हमें इस बात का गर्व है। गर्व गौरव से बनता है और अहंकार देहभान से बनता है। गर्व अच्छी चीज है, अहंकार खराब चीज है। छिहत्तर जो है वो शिवरात्रि की शुरुआत के हैं। जब संपूर्ण प्रत्यक्षता हो जाए उससे कहें, उस समय कहें संपूर्ण शिवरात्रि। अभी शिव पूरा प्रत्यक्ष हुआ है या अधूरा प्रत्यक्ष हुआ है? वेद में भी देखें तो दक्षिण भारत में पहचाना है ज्यादा लोगों ने, या नॉर्थ इंडिया में पहचाना है? नॉर्थ इंडिया के विद्वान पंडित आचार्यों ने नहीं जाना। अभी भी कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए पड़े हैं। तो दक्षिण भारत है, भारत का विदेश।
असली विदेश तो कोई और है। वहां भी प्रत्यक्षता की आवाज जाएगी। विदेशियों के हिसाब से रात्रि के 12 बजे सूर्योदय होता है और भारतीयों के हिसाब से सवेरे 5 बजे होता है। विदेशी पहचान करके भी सो जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में असुरों और देवताओं की जब लड़ाई दिखाते हैं तो असुरों को मुर्गे का पंख का ताज दिखाया जाता है। क्यों है? मुर्गे के पंखों का ताज क्यों दिखाते हैं? ये साबित करने के लिए ही दिखाया जाता है कि जैसे मुर्गा दूसरों को जगाए देता है और खुद सो जाता है, ऐसे ही विदेशी आत्माएं बाप को पहचानती तो हैं लेकिन खुद सो जाती है बाप। जैसे कि खरगोश और उसकी टर्टाइज क्या कहते हैं कछुआ की दौड़ की कहानी दिखाई जाती है। दौड़ में शक्तिशाली कौन है? खरगोश बहुत शक्तिशाली है। उन विदेशियों के मुकाबले भारतवासी तो बहुत तम प्रधान बन गए, परंतु भावना के आधार पर वो जीत जाते हैं, जाग जाते हैं और विदेशी सो जाते हैं। तो भारत में शिवरात्रि मनाई जाती है या विदेश में मनाई जाती है? क्यों? क्योंकि असली जागरण तो भारतवासी मनाते हैं। उनका जागरण तो फेल हो जाता है, सो जाते हैं ऐन मौके पर। बोलो माँ विष्णु महेश भी अंधेरे में आती है माँ शिवरात्रि से पहले। सन 76 में ब्रह्मा को अंधेरे में कहें, विष्णु को अंधेरे में कहें, शंकर को अंधेरे में कहें या तीनों को अंधेरे में कहें, ब्रह्मा को अगर उजाले में कहें तो ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का भी दिन होना चाहिए। वो हुआ नहीं हुआ? और ब्रह्मा सो क्या बनता है? विष्णु। और विष्णु का पार्ट बाद का है, पहले तो बाद का पार्ट। आज भी बताया बीच में विनाश और बाद में पालना। जो शंकर द्वारा विनाश है वो विनाश का कार्य किसका है? और धर्म पिताएं तो विनाश करते नहीं, बाप का पार्ट है विनाश का पार्ट। और धर्म पिताएं सिर्फ स्थापना करते हैं अपने अपने धर्म की, राज्य की भी स्थापना नहीं करते।
राजधानी की भी स्थापना नहीं करते तो और धर्म पिताओं के मुकाबले बाप का ये विशेष पार्ट है। और धर्मों का खंडन करना, राज्यों का खंडन करना और एक धर्म एक राज्य की स्थापना करना, ये बाप का पार्ट कौन सी मूर्ति के द्वारा है? हैं? शंकर मूर्ति के द्वारा बाप का पार्ट प्रत्यक्ष होता है। एक शंकर ही देवता है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। आपके प्रश्न का समाधान हो गया? क्या पूछा? 2018 तीन मूर्तियों के बारे में पूछा। तीनों मूर्तियों के बारे में 2018 में बताया था कि तीनों अंधकार में। शुरुआत कहाँ से होती है? 18 से होती है। 18 अंत है कि आदि है? अंत है। तो आदि कहाँ से होती है? 76 से। तो 76 से आदि होगी तो 18 में जब अंत होगा तीनों मूर्तियों का एकीकरण हो जाएगा, त्रिमूर्ति शिव बन जाएगा या एक मूर्ति से प्रत्यक्षता हो जाएगी? है तीनों मूर्तियों का एकीकरण अंत में होगा। 76 में एकीकरण नहीं कहा जा सकता, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष तो है लेकिन वो प्रत्यक्षता वर्ष की शुरुआत है। बाप के बच्चे भी नंबरवार पहचान पाते हैं। और पहचान कर भी निरंतर निश्चयात्मक बुद्धि में नहीं रह पाते। आज निश्चय बुद्धि होते हैं, कल अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। भरत को क्यों दिया? और तीसरी माता बीच में आ गई ना, उसने कहा कि हमें जो वरदान देने के लिए आपने पक्का किया था कि जब चाहो तब हमसे अपना वरदान ले लेना, तो बीच में आ गई। अरे कई कई नाम है तो उसके कई कई पति होंगे कि एक चार, दो चार होंगे, एक ही होगा है? तो दोगली होगी ना। तो जब उसने देखा कि मौका हमारा है तभी उसने वरदान मान लिया। अब वरदान को तो पूरा करना पड़े है, कोई भी आ जाए। वरदान तो उसने मौके पे मांगा ना। बाबा कहते हैं कि हूबहू पुनरावृत्ति हर कल्प होती है जी, तो जो आत्माएं हैं क्या वो हर की दुनिया के वही कष्ट फिर से उठाएंगी? क्या 84 जन्मों के कष्टों के बारे में पता है? नहीं ना, सिर्फ इस अंतिम जन्म के जो तमो प्रधान जन्म है, दुखों की दुनिया की अति का जन्म है, उसका थोड़ा हिस्सा ही तो हमें मालूम पड़ा है। अभी आने वाले स्वर्णिम संगम युग में जो 84 जन्मों की हम शूटिंग करेंगे उसका तो अभी हमें नहीं पता है। के 83 जन्मों का भी हमको पता नहीं है। तो दुखी होने की क्या बात है? जबकि बाप बच्चों के लिए गारंटी करते हैं कि सारी दुनिया भूख मरती रहे मिल, लेकिन मेरे बच्चे भूख नहीं मरेंगे। इतनी गारंटी देने के बाद भी दुखी दुख याद आता है कि वो दुखी
5000 वर्ष के बाद फिर रिपीट होगा। अरे बाबा के बच्चों को तो इतना दुख मिलता भी नहीं है, जो सड़क पर पड़े पड़े भिखारियों की तरह भीख मांगे। कोई बच्चा ऐसा यहाँ बैठा हो तो बताए, कोई है ऐसा? और दुनिया में कितने भिखारी होंगे, क्राइस्ट जैसी श्रेष्ठ आत्मा उसके लिए भी मुरली में बोला भिखारी के रूप में इधर उधर मारी मारी चल रही। आपको तो खुश होना चाहिए। फिर भी कोई उपाय है जिससे कष्ट दूसरे के या किसी के लिए कष्ट दोबारा न हो? क्या पुनरावृत्ति न हो कष्टों की? ऐसा कौन है जो कभी पाप ही न करता हो, पुण्य ही पुण्य करता हो? दुनिया में ऐसा कोई है? नारायण है, नारायण लक्ष्मी वाली आत्मा है जो कभी पाप ही न करती हो, है? तो फिर आप कहां से ये नया ज्ञान उठा लिया? जब पाप करेगा तो दुख भी उठाएगा कि नहीं उठाएगा? और जब और पिछले जन्म में पाप करेगा तो संचय होते होते आखिरी जन्म में वो दुख उठाना पड़ेंगे या नहीं उठाना पड़ेंगे? तो ये तो ज्ञान की बात ही नहीं बनती कि उन दुखों का भी निवारण हो जाए, जबकि भारतवासी सबसे जास्ती सुख भोगते हैं और धर्म वाले तो इतना सुख भोगते भी नहीं है। और लास्ट जन्म में हमें सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि बाप छत्र छाया माफे का हमारे ऊपर रहता है। तो कमजोर संकल्प हमें नहीं करना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत दुख आता भी है तो उसको शेर दिल होकर के मुकाबला करना है। रोना सूर्यवंशी बच्चों का काम नहीं है। देह अभिमान रोता है, आत्मा अभिमान रोता है? देह अभिमान रोता है। बाबा जो देखे वाले बच्चे हैं वो समय लोग पोस्ट करके जा रहे हैं उनको इस चीज में रहना है, उनका पाठ क्या होगा? निश्चय नहीं हो रहा है तो बाबा की क्लास में दोबारा जाएंगे ही नहीं। आगे पाठ क्या होगा? पाठ क्या हो, प्रजावर्ग में चले जाएंगे। किसी को निश्चय होता है, पढ़ाई पढ़ता है, पुरुषार्थ करता है तो नंबर वार ऊंच पद पावेगा। पुरुषार्थ नहीं करता है, पढ़ाई नहीं पढ़ता है तो प्रजावर्ग में चले जाएंगे। दुनिया में भी तो ऐसे ही है, जो पढ़ाई लिख पढ़ते हैं तो ऊंची पोस्ट पाते हैं, पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं साधारण। तो वहां जाने की क्या जरूरत है, यहां से बैठे ही बैठे उन्हें खींच के रख दो। जाएंगे कहां, उन्हें कहो हट्टी तो एक ही है। कहते हैं कि हमारा पार्ट आएगा तो अंत में आ जाएगा। तुम्हारा पार्ट अंत में आएगा तो अंत में ही पद पाओगे। सोलह हजार 108 की माला है तो अंतिम मणका बनोगे कि पहले मणका बन जाओगे नीचे वाला? बात करने से हाथ जोड़ने लगते हैं, बात करते ना तो हाथ जोड़ने लगते हैं। एडवांस वाले बाहर जाओ,
बाहर जाओ, उनके सामने भी आते ना। हाँ, वो जो यहाँ पे जाओ तो आपके अंदर गर्व आना चाहिए ना कि देखो हमारी अच्छी शूटिंग हो रही है, हमने इन्हें अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था और इन्होंने अपने घर के चार दीवारी से हमको बाहर निकाल दिया, हिसाब किताब पूरा हो गया, तो ज्यादा फायदे में कौन रहा? आप ही का फायदे में रहे। ने पूछा बाबा राज की सेवा की ड्यूटी के दिन कभी बाबा की कक्षा का दिन आ जाता है तो क्या सरकारी सेवा में उपस्थिति दिखाकर बाबा की कक्षा में आ सकते हैं? बताओ भाई। आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? माने हमको घाटा कुछ न हो, हद लगे न फटकरी रंचो को आवे है। यहाँ संगम युग में एक एक चलन का संस्कार पड़ता है, चाहे लौकिक हो और चाहे अलौकिक हो। जैसी जैसी हम चलन पर चलते हैं वैसे वैसे संस्कार पड़ जाते हैं। ऐसे नहीं ज्ञान में चलते हैं, परिवार के साथ बैठते हैं, परिवार के साथ ईश्वरीय धंधा करते हैं, तब तो हम सच्चे बनकर रहते हैं, और लौकिक धंधे में जाते हैं तो दूध में पानी मिलाते हैं, कपड़े की दुकान में दुनिया वाले जितना गोलमाल करके नहीं बेचते हैं उतना हम बेचते हैं, तो संस्कार पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे? ब्याज लेने का देने का धंधा करते हैं, गवर्नमेंट की ओर से ब्याज पारित है 12%, बैंकें कितना ब्याज लेती हैं लोन पर? लोन देती है बैंकें, सरकार ब्याज देती है, तो कितना लोन लेती है? ज्यादा से ज्यादा 12%। तो अच्छा 16% सही, साल भर में 16 रुपया, और तो महीने भर में 2 रुपया लो, तो संस्कार नहीं पड़ रहे हैं? भारत का मेरा जो विद्वान है वो वापस दे दिया। यहाँ कोई कोहनूर हीरा नहीं है, कोहनूर हीरा ऐसा कोई हीरा नहीं है जो विदेशों के अंदर में है, ब्राह्मणों की दुनिया में है। कौन सा हीरा है? विजयमाला की जो हेड है वो है कोहनूर हीरा। वो विदेशियों के अंडर में है, वो विदेशियों की अंदर ये संकल्प आ रहा है बीच बीच में, तो वो हीरा जिसका है उसको हमें वापस कर देना चाहिए तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा, नहीं तो हम नीचे गिरते जाते हैं, हमारी अवस्था भी नीचे गिरती जाती है और भारत लगातार ऊंचा उठता जाता है। वो भी समझने लगे हैं कि भारत में कोई शक्ति है, और ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई समझने लगे हैं
कि भारत में ही भगवान आया हुआ है, हमारी मुट्ठी में से तो निकल गया। कर्मातीत अवस्था का क्या अर्थ है? कर्म से अतीत, कर्म से परे, बल कर्म इंद्रियों से कर्म भी करें परंतु कर्म इंद्रियों से किए हुए कर्म का पुण्य और पाप हमको न लगे। ऐसी स्टेज बन जाए मन बुद्धि की, उसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। मन का ये हिसाब है कि कर्म इंद्रियों के कर्म में मन आसक्त होगा तो सुख दुख फील होगा, और मन आसक्त नहीं होगा तो सुख दुख फील नहीं हो सकता। जैसे कोई गहरे विचार में कारखाने जा रहा है या महबूबा के प्यार में जा रहा है और उसकी आंखें खुली हुई हैं, आंखों के सामने ढेर लोग निकल गए, बाद में उससे पूछा जाए आपके रास्ते में आपने जाते हुए किसको किसको देखा, वो कहे हमने किसी को नहीं देखा, उससे क्या साबित हुआ, आंखें खुली हुई थी या नहीं थी, फिर आंखों ने क्यों नहीं देखा अपना लक्ष्य, क्या कारण हुआ? मन जो 11वीं इंद्रिय है मुख्य है वो दूसरी ओर लगा हुआ था। तो ऐसे मन को एकाग्र करने की प्रक्रिया में जब हम सिद्ध हस्त हो जाएंगे तो जो गीता में लिखा हुआ है कि सारे संसार की हत्या करने वाला एक निष्ठ आत्मा, उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता, उसको कहेंगे कर्मातीत स्टेज। कर्मेंद्रियों से कर्म भी करे परंतु उन कर्मों का कोई प्रभाव उसके ऊपर न पड़े, जो संस्कार बन जाए। ऐसी तीखी याद की यात्रा हो, शरीर जड़ है और आत्मा चैतन्य है, लेकिन आत्मा निकलने के बावजूद भी 24 घंटे तक आंखें क्यों काम आती हैं? सिर्फ आंखों की ही बात है या और अंगों की भी बात है? हैं? पूरे शरीर की बात नहीं है। शरीर के बहुत से अंग ऐसे हैं जो निकाले जाते हैं, सुरक्षित रखे जाते हैं, और जो दूसरे बीमार व्यक्ति होते हैं उनके काम आ जाते हैं, लेकिन जीवित अवस्था में ऐसे नहीं कि मरने के बाद फिर वो आंखें चढ़ा दी जाएंगी तो उनमें कोई जान आ जाएगी। Thank you.
4.5 लाख आत्माएं काशी वासी कब बनेगी? क्योंकि बाबा ने बोला है 2008 में बाप प्रत्यक्ष होने से पहले ब्राह्मणों की दुनिया में घोर अंधेरी रात्रि होगी। फिर विजयमाला आने के बाद सब काशीवासी बनेंगे। माना काशी कभी लोप भी हो जाती है क्या दुनिया से? है काशी कभी नष्ट होती है क्या? 5000 वर्ष के ड्रामा में काशी का अस्तित्व तो नष्ट हो जाता है क्या? नहीं। सारी दुनिया पाताल के गर्त में जाती है, काशी फिर भी छिटक जाती है। तो ऐसे नहीं कि ब्राह्मणों की दुनिया में घोर अंधेरी रात्रि होगी, फिर विजयमाला आने के बाद काशीवासी बनेंगे। क्या अभी काशीवासी नहीं है? ऐसी आत्माएं नहीं है जो काशी के दिल पर अभी चढ़ी हुई हो? जब अष्टदेव है और अष्टदेव सब पूर्वज की स्टेज में है, तो जो पूर्वजों की स्टेज में रहने वाली अष्टदेव है उनका कोई ग्रुप भी तो होगा। जो आज से अंत तक उनको फॉलो करता होगा, अंतिम जन्म में वो अष्टदेव भी जब दूसरे धर्म में जा देंगे तो उनके साथ उनका सारा ग्रुप उसी ग्रुप में चला जाएगा। तो नष्ट होने की तो बात ही नहीं है। बाकी काशी कोई दूसरी चीज नहीं है, जहाँ याद का तेज पुंज इकट्ठा हो जाए वो ही काशी है। भक्तों की काशी तो वो बनी हुई है उत्तर प्रदेश में, वो तो हद की काशी है। हमारी काशी कहाँ होगी? है जहाँ 4.5 लाख आत्माएं इकट्ठी तपस्या करेंगी, माउंट आबू। जो ज्ञान में चलते चलते किसी और को बाप बना लेते हैं वो 84 जन्म नहीं लेंगे? और को माने उसमें ब्रह्मा नहीं आता है? तो ब्रह्मा वाली आत्मा को ही अगर बाप माने तो 84 जन्म नहीं लेंगे? अरे ब्रह्मा 84 जन्म लेगा तो उनके फॉलोअर्स भी 84 जन्म लेंगे। लेकिन जो ज्ञान में चलते चलते कुछ दिनों के लिए अज्ञानी तो बन जाते हैं लेकिन किसी और को बाप नहीं बनाते। जब अज्ञानी बनते हैं
तो उनके ऊपर माया का वार होता है कि नहीं? और माया का वार की स्त्री या पुरुष के रूप में होता है या हवा के रूप में होता है? है? कोई न कोई स्त्री वार करेगी, कोई न कोई पुरुष वार करेगा। तो जो वार करने वाला है वो ही उसका बाप हो गया, उससे प्रभावित हो गई आत्मा। जिससे प्रभावित हो गई उसी की प्रजा बन गई। प्रजा को बच्चा कहा जाता है और प्रभावित करने वाले को बाप कहा जाता है। कहते हैं गंगा जल अगर काबा के अंदर चढ़ा दिया जाए तो सब मुसलमान खत्म हो जाएंगे। इस बात की बहुत निगरानी भी रखी जाती है। इसका बेहद का अर्थ क्या है? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में काबा कहाँ है? है? वो बड़ी थी बड़ी मिस्र जिद्द कहाँ है जो अपनी जिद्द पर अड़ गई कि न हम भगवान को पहचानेंगे न दूसरों को पहचानने देंगे। कहाँ है वो जिद्द मिस्जिद? है? है? माउंट आबू। माउंट आबू में बहुत ध्यान रखा जाता है, कोई एडवांस पार्टी के लोग ना आ जाए यहाँ आकर के यहाँ ज्ञान जल चढ़ा दे। ज्ञान में चलने वाले भाई लोग जो LIC जैसी कंपनियों में कार्यरत हैं, वो ब्राह्मण परिवार में जाकर के पैसा जमा करने के लिए विशेष जोर देते हैं। निश्चित राशि जमा करने पर अमुक अमुक वस्तुएं मिलेंगी, ये फायदे होंगे, ढेर प्रलोभन देते हैं। बाबा कहते हैं ये सब कंपनियां फेल हो जाएंगी। तो क्या ये सब ठीक है? कौन ठीक कहेगा? ठीक तो नहीं है, लेकिन ज्ञान में आने से पहले ही किसी का धंधा चल रहा है। LIC जैसी कंपनी में काम करने का तो पेट का धंधा करने के लिए बाबा ने मना किया है क्या? है? नहीं। हाँ इतना जरूर है कि पेट का धंधा करें लेकिन ब्राह्मण परिवार वालों को उस चंबे में न लें। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण परिवार वालों का तो जो भी पैसा है वो कहाँ लगेगा? ईश्वरी यज्ञ में ही स्वाहा होना है। और हम उस पैसे को लाखों करोड़ों लेकर के इकट्ठा करके कंपनियों के मुंह में झोंक देंगे, वो कंपनियां तो सब नष्ट हो जाएंगी, पैसा किसी को मिलेगा नहीं, तो बेड़ी डूब जाएगी। तो डूबती हुई बेड़ी से निकालना चाहिए या उसमें झोंकना चाहिए? निकालना अच्छा है। बताना है कि जिन्होंने डाल दिया है पैसा तो जितना जो कुछ हो तो निकाल लो तो अच्छा है, निकालने में फायदा है, डालने में फायदा नहीं है। 2001 में गुजरात में बड़ा भारी भूकंप आया था, भुज में उसका ज्यादा प्रभाव हुआ। सारी कंपनियां रातों रात उड़ गई, किसी को एक पैसा नहीं मिला। अभी फिर मुरली में बाबा बार बार बोलते हैं प्रकृति का अचानक वार होगा।
धंधा तो करें, सब धंधों में है नुकसान, ये तो बाबा ने बोल दिया। इसके बावजूद भी बाल बच्चों का पोषण तो करना होता है। जब तक अटूट निश्चय नहीं बैठता है बाप के ऊपर कि बाप ही हमारा पालनहार है, तब तक बल धंधा दोरी करो। धंधा दोरी में सिर्फ एक धंधे को मना किया है, शराब का धंधा बंद कर देना है। वो धंधा सब विकारों को खींचने वाला है। बाकी कोई सभी धंधों को बंद करने के लिए नहीं बोला है, सब धंधे झूठे हैं सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के, फिर भी मना नहीं किया है। बल करो, पेट का पोषण करने के लिए, पेटू ब्राह्मण है ना, खिचड़ी से तो चलेगा नहीं, तो जब तक नहीं चलेगा तब तक बल धंधा करो। ज्ञान का ही पराकाष्ठा का मतलब है कभी भी दुख अनुभव न हो, उसको कहेंगे ज्ञान की पराकाष्ठा। कोई भी बात आती है, कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी समस्या आती है, ज्ञान का पॉइंट ऐसा याद आ जाए जिससे वो दुख भी सुख में कन्वर्ट हो जाए। जो अष्टदेव अभी नष्टो मोहा स्मृति लब्धा की परीक्षा में पास होकर अष्टदेव का पद प्राप्त करते हैं, ऐसे तो कोई नहीं। अभी फाइनल पेपर हो गया क्या? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का फाइनल पेपर हो गया? हुआ नहीं हुआ? हाँ, छोटे मोटे पेपर से पास करते हैं, वो उनके प्रैक्टिकल जीवन में देखने में आवेगा कि छोटे मोटे पेपर्स को पास करते चले जाते हैं वो ही अष्टदेव की लिस्ट में पहुंच पाते हैं। उन्हीं का नाम डिक्लेयर होगा, दूसरों का नाम डिक्लेयर नहीं होगा। तो उन अष्टदेवों के लिए अंत में ऐसी कौन सी पेपर आता है जो वो थोड़े थोड़े समय के लिए अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे? पेपर तो बता दिया, लास्ट पेपर नहीं बताया। सबका एक ही पेपर है, एक ही सेकंड में होगा। क्या है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। काहे से नष्टो मोहा है? देह के संबंधियों से। कोई न तो देह के ऐसे संबंधी बनाए हुए हैं जो लोहे की जंजीर वाले हैं, कोई के ऐसे संबंध हैं जो सोने की जंजीर वाले हैं, ज्ञान में चल रहे हैं, सरेंडर होकर के चल रहे हैं और आपस में एक दूसरे से लगाव लगा पड़ा है। वो जंजीर उनको फेल कर देगी। पूरा पास नहीं होने देगी। और बाप की स्मृति भुला देगी, स्मृति लब्धा नहीं हो पाएंगे, बाप से दूर हो जाएंगे। अष्टदेव की तुलना आठ ग्रहों से की गई,
अष्टदेव अलग है और अष्टरत्न अलग है। एक टाइम ऐसा आता है तीनों मिलकर के एक भी हो जाते हैं थोड़े समय के लिए। रंग भी तो सात हैं, जैसे सात रंग हैं, काला कोई रंग अलग से होता नहीं है, सब रंगों को मिला दो तो काला हो जाएगा। संकल्पों और कर्मों की शूटिंग का हद और बेहद में क्या अंतर है? सिर्फ संकल्प मात्र करने से पाप और पुण्य नहीं बनता है। हाँ, जिनका मन एकाग्र हो जाता है उनके संकल्पों की तीव्रता ऐसी होती है कि वो संकल्प मात्र से ही कोई से कर्म करा सकते हैं। ऐसे पुरुषार्थी अभी तक हुए नहीं है कोई। बाकी संकल्पों से शूटिंग होती है, हम जैसे जैसे संकल्प करते हैं श्रीमत के अनुकूल करते हैं तो स्वर्गीय शूटिंग होती है, श्रीमत के बरखिलाफ संकल्प करते हैं तो नारकीय शूटिंग होती है। पंद्रह दिन में गोरे होते हैं। श्री कृष्ण श्री कृष्ण 15 दिन में गोरे होते हैं 15 दिन में काले। वो तो पखवाड़ा बताया ना, महीने का पूरा पक्ष बताया। क्या जैसे कहते हैं ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, जब ब्रह्मा बढ़ता है, जब चंद्रमा बढ़ता है तो कृष्ण पक्ष कहा जाता है, वो शुक्ल पक्ष कहा जाता है, और जब चंद्रमा घटता है तो कृष्ण पक्ष कहा जाता है। काली रात्रि ज्यादा होती है, उसमें काली रात्रि नहीं होती है, वो ही 15 दिन कृष्ण के बताए हैं। 15 दिन बराबर है और क्या, बराबर तो है, दिन और रात बराबर ही तो होते हैं। ब्रह्मा का दिन भी उतना ही, ब्रह्मा की रात भी उतनी। पहला बच्चा जो जन्म लेता है वो लंबे समय की प्योरिटी के बाद जन्म लेता है।
अगर वो आत्मा जन्म लेते शरीर छोड़ दे तो प्योरिटी की जो पावर है उस आत्मा में ही रहती है क्या? अरे कोई दूसरे आत्मा में चली जाएगी क्या? तो जो बच्चा पैदा होने वाला था उसी में वो पावर आती है। कोई स्पेशल बच्चा है जो पैलोटी का बच्चा बनता है, परिवार में उसे जेठौत के रूप से बड़ा मान मर्तबा भी मिलता है, राज्य का सारा वर्षा भी उसको मिलता है, युवराज के रूप में उसकी घोषणा की जाती है। अगर वो शरीर छोड़ दे तो कहीं दूसरी जगह जाके जन्म लेंगे। शास्त्रों में दिखाया है कि मछली के कांटे पर लंका बसी है, इसका बेहद में अर्थ क्या है? मछली कौन? मत्स्यावतार का नाम सुना? मत्स्यावतार बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है, इतना बढ़ता है कि सागर के सिवाय और वो कहीं नहीं समा सकता। दुनिया की कोई बड़े से बड़ी नदी या तालाब नहीं है जिसमें वो समा जाए। ऐसी मछली, और मछली का कांटा माने उसकी हड्डी। मछली का कांटा क्या होता है? उसकी हड्डी। उसके हड्डी पुरुषार्थ के ऊपर वो लंका बसाई जाती है। मछली में से बदबू आती है या खुशबू आती है? व्यभिचार की बदबू आती है। रावण के जो 10 सिर हैं, उन 10 सिरों को चलाने वाला कौन है? 10 सिरों का मुखिया कौन है? नहीं, हाँ दे अर्जुन। किस रूप में दिखाया है? वो गधे के रूप में दिखाया है। वो गधा का क्या काम करता है? धोबी के वस्त्रों को धोता है और कहाँ ले जाता है? घाट पर ले जाता है। और ब्राह्मणों की दुनिया में ये पार्ट किसका साबित होता है? है? बाप तो धोबी है, उस धोबी ने 300-400 वस्त्रों का वजन डाल दिया गधे के ऊपर, जिन्हें ढो करके वो कहां तक पहुंचता है? घाट तक पहुंचता है, जहां धोबी उन कपड़ों को साफ करता है। जहां घाट पर कपड़े साफ किए जाते हैं वहां मछलियां भी आती होंगी। नदियों में कौन सी नदी ऐसी है जिसके घाट बहुत प्रसिद्ध है? है? नदी का नाम बताओ। है? गंगा नदी। तो गंगा नदी है जिसके घाट पर कपड़े धोए जाते हैं ज्ञान जल से। मछलियां भी जरूर इकट्ठी होती हैं।
जो गंध खाने का काम करती है। उनका जो कांटा है उन मछलियों कोई मुखिया भी होगी है, जरूर कोई मुखिया मछलियां भी है जिसका कांटा बहुत मजबूत है। उस कांटे पर वो लंका खड़ी हुई है। कांटा किस बात के लिए प्रसिद्ध है? अरे दुनिया में भी कौन सा कांटा प्रसिद्ध है, है? अरे अरे बाजार आजार में गए नहीं कभी, तौल और नहीं देखी कभी, धर्म कांटा है चेहरे को दिखाई पड़ता है वो ही। तो धर्म और अधर्म को अलग अलग करके दिखाने वाला वो कांटा है। माया अकेली काम नहीं करती है, न सफल होती है। कब सफल होती है माया? जब लास्ट पेपर लेती है तो माया के साथ प्रकृति भी सहयोगी बन जाती है। वो प्रकृति ही, प्रकृति कहते हैं कुदरत को, सबसे बड़ा धर्म कांटा है। दूध का दूध पानी का और पानी का पानी कर देती है। प्रकृति का पार्ट किसका है, है? प्रकृति दोनों हाथों में झाड़ू लेकर के खड़ी हुई है। अच्छा, झाड़ू में ढेर की ढेर सीखे हैं, कोई लंबी सीखे हैं, कोई छोटी सीखे हैं, कोई छोटी भुजाएं हैं, कोई लंबी भुजाएं हैं। सारी नालियों का, सारे गटरों का कचरा साफ कर देंगे। दूध दूध में मिल जाएगा, पानी पानी में मिलेगा, कचरा कचरे में मिल जाएगा। बाबा आपने मुरली में कहा है कि माया मोह का त्याग करेंगे तभी परमात्मा के दर्शन होंगे, परंतु आप माया को माता भी कहते हैं। माता कहते हैं कि मौसी कहते हैं, है? माया मौसी कहते हैं, माता तो नहीं कहा। तो क्या किसी को माता का भी त्याग करना चाहिए? अच्छा माता का न करो, मौसी का तो कर दो, है? मौसी का त्याग कर देना चाहिए कि नहीं? अगर माया मौसी है तो त्याग करने में कोई अर्थ नहीं। बाबा जी मुरली में सुना कि परमपिता से भी एक बाकी देवता है जिनकी पूजा भक्ति मार्ग में होती है, हमें ज्ञान मार्ग में जाना है। फिर हर मुरली में सबसे ऊपर ओम नमः शिवाय लिखा होता है, जबकि भट्टी के दौरान बताया गया है कि ओम नमः, ओम शिवाय नमः का जाप करें, न कि ओम नमः शिवाय बताएं, न कि ओम नमः शिवाय बताएं क्या करना चाहिए।
तो एक ही होगी। संस्कृत में और हिंदी में अंतर क्या है? हिंदी में क्रिया को सबसे बाद में लगाया जाता है, कर्ता को पहले लगाया जाता है। संस्कृत में ये नियम नहीं है। संस्कृत में चाहे जो शब्द चाहे जहां फिट कर दो, अर्थ उसका एक ही आएगा। चाहे नमः पहले लगाओ, चाहे शिवाय पहले लगाओ, बाद में लगाओ, कोई अंतर नहीं पड़ता। झूलेलाल, झूलेलाल, अरे भक्ति मार्ग में तो जाने कितने देवता है। अगर ब्राह्मणों की दुनिया घोर अंधेरी रात्रि में चली जाएगी तो क्या सिर्फ आठ ही बाप भगवान को संसार में प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनेंगे? और कोई को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा? बताओ। नई दुनिया रूपी सवेरे की शुरुआत एक परिवार से होगी या अनेकों परिवार से होगी? पारिवारिक इकाई एक होगी नई दुनिया की शुरुआत करने वाली या अनेक परिवार होंगे? एक ही परिवार होगा। उस एक परिवार में एक ही वंश के लोग होंगे और वो आठ होंगे सूर्यवंशी। वो ही संपूर्ण होंगे। ऐसे संपूर्ण होंगे जो धर्मराज की कोई भी सजा नहीं खाएंगे और कोई को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं है। क्या सौभाग्य? जो धर्मराज की सजा न खाए। ऐसे नहीं है। ब्रह्मा के जो चार पुत्र हैं, उन चारों पुत्रों में नियम है। बड़े में ज्यादा ताकत होती है या छोटे में ज्यादा ताकत होती है? बड़े में ताकत ज्यादा होती है। दुनिया जो असुरों और देवताओं की बनी है, उस दुनिया में असुरों की उम्र बड़ी दिखाई गई है। असुर पहले पैदा हुए या देवता पहले पैदा हुए? असुर पहले पैदा हुए। द्विति से दैत्यों की पैदाइश पहले हुई। तो ऐसे ही जो चार कुमार हैं ब्रह्मा के, उनमें जो दो बड़े हैं पहले नंबर के गिने जाते हैं, वो आसुरी संप्रदाय से हैं। और दो जो छोटे हैं वो बौद्धी और देवता धर्म के बीज हैं। उनमें जो लास्ट है सनत कुमार, वो ज्ञान में सबसे तीखा चला गया। जो ज्ञानी ज्यादा होता है, बाप की पहचान जिसको ज्यादा होती है, वो बाप की याद में भी ज्यादा तीखा जाता है। इसलिए सनत कुमार को योगीश्वर की उपाधि दी गई है। प्रश्न पूछा है, सूर्य का रतन माणिक है,
चंद्र का रतन मोती है, बुद्ध का रतन पन्ना है, गुरु का रतन पुखराज है, मंगल का रतन मूंगा है, शुक्र का रतन हीरा है, शनि का रतन नीलम है और राहु केतु को रतन पहनने की बजाय अन्य उपायों से इन्हें प्रसन्न करना उचित रहता है। हीरा कहाँ चला गया है? शुक्र का हीरा बताया है, वो शुक्राचार्य है। जो शुक्रों का आचार्य है वो हीरा है, तो रंग बात है। ये ज्योतिषियों की मतांतर है। असली बात तो बाद में प्रसिद्ध होगी। क्या 12 ज्योतिर्लिंगम और 12 राशियों का आपस में कोई संबंध है? है? सारी दुनिया 12 राशियों में बंधी हुई है, सारी दुनिया के सारे धर्म उनके जो मुखिया ग्रुप हैं वो भी 12-12 के हैं। 12 × 108 तो उन 108 में सारी दुनिया आ जाती है। उत्तम खेती मध्यम बाण, निकट चाकरी भीख निदान, ये कहावत क्या अभी चरितार्थ होती है? हाँ होती है। हमारी खेती कौन सी है? हैं? ज्ञान का बीज, ज्ञान रत्नों के बीज बोते रहे मनुष्यों की धरणी में, ये सबसे उत्तम धंधा है। फिर है मध्यम बाण, बाण माने बाण कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह देना, दूसरी जगह से फिर दूसरी जगह देना, इसको कहते हैं व्यापार। वो लोग ज्ञान में चलने वाले ऐसे होते हैं, इधर की ज्ञान की बातें उधर दे देंगे, उधर जो ज्ञान की बातें सुनाई जाएंगी वो इधर दे देंगे। ऐसे हैं या नहीं है? हा? ऐसे हैं। बेसिक ज्ञान में जो सुनाया जाएगा वो एडवांस वालों को सुनाते रहेंगे, विष्णु पार्टियों वाले जो कुछ सुनाएंगे वो बेसिक वालों को सुनाएंगे, एडवांस पार्टी वालों को सुनाएंगे। एडवांस में जो सुनाया जाएगा वो इधर उधर दूसरी तरफ सुनाते रहेंगे, बीच में उनका बुद्धि रूपी पेट भरता रहता है। तीसरे होते हैं नौकर, किसके आर्डर पे चलते हैं? मालिक के आर्डर पे चलते हैं, अपनी अकल से काम नहीं करते। जो उनके मालिक होते हैं उनकी अकल पर चलते हैं, खुद का मंथन नहीं करेंगे। जो दूसरों की दिमाग से निकली हुई बातें हैं उनके आधार पर चलेंगे। और आखिरी है भीख,
मांगते ही रहेंगे। भगवान को तो पहचानते ही नहीं भीख मांगने वाले, भगवान की तो बात छोड़ दो, लेकिन आपस में एक हमारे ऊपर कृपा कर दो, आप बढ़िया पुरुषार्थी हैं, आप तो बहुत ऊंचे देवता बनेंगे, हमारे ऊपर भी कृपा कर दो, हमें भी कुछ सहयोग दे दो। तो ये भीख मांगने वाले हो गए चौथे प्रकार के, खुद नहीं पुरुषार्थ करेंगे, भीख मांग मांग के पुरुषार्थी जीवन चलाते हैं। मुरली में आया है कि आगे चलकर बच्चों के लिए हॉस्टल भी खोलना पड़ेगा, तो उसका बेहद अर्थ क्या है, और हद में भी लागू होगा क्या? तो बेसिक ब्राह्मणों में तो हॉस्टल ऐसे ढेर सारे खुले हुए, खुले हैं कि नहीं? खुले हैं, लेकिन वो कन्याओं के लिए खुले हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए नहीं खुले हैं। लेकिन ऐसा भी टाइम आएगा कि बच्चों के अलग और बच्चियों के अलग हॉस्टल खोले जाएंगे और उनमें बेहद की पढ़ाई होगी। बेहद के तरीके से पढ़ाई होगी,